हेलो नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे प्रमोशन टैब का यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम में जो प्रमोशन टैब होता है, जब आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट करते हैं या प्रोफेशनल अकाउंट करते हैं, तब आप लोगों को इंस्टाग्राम में प्रमोशन का टैब मिल जाता है। तो आप लोग प्रमोशन टैब को यूज़ करके कैसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी को अपने या फिर किसी वेबसाइट को या फिर अपने किसी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यानी कि आप लोग इंस्टाग्राम पे ऐड कैंपेन कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कि आप लोग बिल्कुल सस्ते में अपनी इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम वेबसाइट या अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम प्रमोट टैब के जरिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम प्रमोशन को करना सीखना चाहते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे एड कैंपेन चलाना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीषवर यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऐड कैंपेन को कैसे चला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को दो सेटिंग्स करनी होगी। अगर आपको प्रमोशन का ऑप्शंस नहीं मिल रहा तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपके इंस्टाग्राम में प्रमोशन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आपको प्रमोशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब प्रमोशन करने से पहले मैं आपको बताऊं प्रमोशन कैसे करते हैं, उससे पहले आपको दो सेटिंग्स करनी होंगी। वो एक ही सेटिंग है तो मैं आपको चलिए बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों को यहां पे सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोगों को अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद हम लोगों को शेयरिंग टू अदर्स ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों को फेसबुक को लिंक करना है। फेसबुक लिंक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे फेसबुक ऐप में आना है। यहाँ से हम लोग फेसबुक ऐप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फेसबुक ऐप को ओपन करता हूँ। हम लोगों को फेसबुक में आने के बाद हम लोगों को पेज में चलना होगा। तो ये मेरा ऑफिशियल पेज है, इसको हम लोगों को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, और सेटिंग्स में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टाग्राम के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन है तो हम लोग इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कनेक्टेड है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मैं डिस्कनेक्ट करके आपको बताता हूँ, यानी डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊँगा, ताकि एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। हम लोग कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आपकी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे मेरी आ रही है, तो मैं कंटिन्यू एज मनीष फॉर यू कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मेरे इसमें सिक्योरिटी कोड आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कोड को एंटर कर देता हूँ। तो गाइज जो सिक्योरिटी कोड आया था वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइज कंफर्म करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पूछ रहा सेव इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप सेव इन्फॉर्म कर सकते हैं या नॉट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है फेसबुक के साथ। अब हमारा फेसबुक से काम सारा समाप्त हो गया, अब हम लोगों को इंस्टाग्राम में आना है। यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम में आ जाते हैं और चलिए अब हम लोग इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस करते हैं, यानी कि ऐड कैंपेन को चलाते हैं। उसके लिए सिंपली आपको ये वाले प्रमोशन ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर आप लोग किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे भी आके यहाँ पे प्रमोशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्रमोशन पे क्लिक करते हैं। अब प्रमोशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पास प्रमोशन भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रमोशन करा हुआ था तो ये दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने ऐसे टेस्टिंग के लिए करा था कि बहुत सी चीज़ें अपडेट हो गई थी इस वजह से। तो ये प्रमोशन जो आप पास प्रमोशन होंगे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। तो करंट हम लोग यहाँ पे प्रमोशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रमोट टू पोस्ट, इस पे क्लिक करते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का गोल क्या है, आप लोग प्रोफाइल विजिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप लोगों को वेबसाइट विजिट्स इंक्रीज करना है, या आप लोग मैसेजेस चाहते हैं। क्योंकि जब आप प्रमोशन करेंगे जैसे आपकी पोस्ट दिखाई देगी उसके नीचे अगर आप लोग प्रोफाइल विजिट्स करेंगे तो कोई क्लिक करेगा तो आपकी प्रोफाइल में आएगा, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और मैसेज पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको डीएम वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो आप लोग किस चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल विजिट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल विजिट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, आपको अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करनी है ताकि आपको अच्छी खासी रीच मिल सके और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोशन को कर सकें। आपको किस सिटी में अपना प्रमोशन करना है, किस टाइप की ऑडियंस में करना है, ये सेटिंग भी हम लोग सीखेंगे। तो क्रिएट योर ऑन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑडियंस को नेम दे देते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं, मैं अपनी सिटी का नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे देवास लिख लेता हूँ मैं।
यहाँ पे मैंने देवास लिख लिया है, अब आगे कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी ऑडियंस जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ ए बी सी लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे देवास के ऑलरेडी क्रिएटेड है और भी चीज़ें, तो यहाँ पे देवास ए बी सी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये नेम हो गया ऑडियंस का। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा, हम लोग किस लोकेशन में अपना प्रमोशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लोकल पे जाएंगे यहाँ पे, तो मेरे आसपास की 5 मिनट के अंडर की लोकेशन आएगी, करेंट कर दूंगा, यहाँ पे मेरे से लोकेशन मांगेगा, तो ये एक अलग टाइप का ऑप्शन आ गया। लेकिन आप अपने रीजनल में जाकर अपनी डेडिकेटेड लोकेशन को चूज कर सकते हैं, तो आपके आसपास की रहेगी। तो यहाँ पे मैं देवास क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ देवास, तो देवास मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं राइट वाले टिक पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं देवास में कितने लोग लगभग यहाँ पे हमारे कितने इंप्रेशंस जाएंगे वो दिखा रहा है। 240,000 के लगभग यहाँ पे इतने लोग हैं लगभग, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 240,000 के लगभग हमारी रीच जाएगी अगर हम लोग देवास में प्रमोशन करते हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि इतने लोग लगभग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से लगभग यही होता होगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद लोकेशन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद इंटरेस्ट सिलेक्ट करना हम लोगों को कि किस चीज़ में वो पर्सन इंटरेस्टेड होने चाहिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल विजिट्स मिले या जो भी आप प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे जो लोग YouTube में इंटरेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अभी ऑडियंस घटती जाएगी, जो लोग मतलब कि यहाँ पे कम होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ना अब यहाँ पे इंटरेस्टेड वाइज यहाँ पे ऑडियंस को ले रहे हैं। YouTube सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे YouTube को कर लेते हैं हम लोग। गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे YouTube सिलेक्ट करा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑडियंस बिल्कुल कम हो गई है, 66,000 हो गई है। तो ऐसे ही आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे Instagram भी लिख लेता हूँ, जो लोग Instagram में इंटरेस्टेड होंगे, सो Instagram लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने Instagram लिख दूंगा, तो और कम ऑडियंस होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग Instagram को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने Instagram को यहाँ पे सिलेक्ट करा, तो मेरी जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब इतने लोग यहाँ पे Instagram में भी इंटरेस्टेड है, मतलब YouTube और Instagram में। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आप लोगों को किस टाइप की ऑडियंस तक आपके ऐड को चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, जैसे अगर आप लोगों को अलग अलग टाइप में इंटरेस्ट हो सकता है, डांस या फिर म्यूज़िक वगैरह, तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। Instagram ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके उन्हीं लोगों को आपके एड्स दिखाएगा जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दो चीज़ों को सिलेक्ट करा है, YouTube और Instagram, और उसके बाद राइट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे हमारा लगभग सारी चीजें क्रिएट हो गई, अब मैं यहां पे हमारी ऑडियंस टाइप भी आ गई कि इतने लोगों तक जाएगी रीच। डन पे क्लिक करते हैं, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारी ऑडियंस सिलेक्ट हो गई, ये देख सकते हैं देवास एबीसी वाली। अब यहां लोगों को एक और चीज सिलेक्ट करनी है, यहां पे एक चीज हम सिलेक्ट करना भूल गए कि यहां पे जेंडर वाइज ये वाली चीज हमने नहीं सिलेक्ट करी। तो गाइस हम लोगों को एज ग्रुप सिलेक्ट करना होगा कि कितने से कितने एज वालों को दिखना चाहिए। तो जैसे यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि 13 से लेके 30 साल तक के लोगों को दिखना चाहिए। तो यहां पे ये देखिए कम हो गया थोड़े से लोग। उसके बाद मेल फीमेल किसको दिखाना चाहते हैं, जैसे अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ मेल को दिखाना, तो यहां से फीमेल को अनटिक कर सकते हैं। फिर मेल फीमेल दोनों को दिखाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक करना, अब आपका यहां पे प्रमोशन बिल्कुल सही तरीके से रेडी है, मतलब आपकी ऑडियंस यहां पे रेडी है, आप लोग किस टाइप की ऑडियंस को ये प्रमोशन दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहां पे बजट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए बजट का ऑप्शन ये है कि आप लोग कितने दिन तक स्पेंड करना चाहते हैं, 200 रुपए डेली स्पेंड करेंगे 6 दिन तक। तो हम लोग इसको अगर आप लोग एक दिन के लिए टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं, जैसे अगर आप लोग नए हैं, तो यहाँ पे एक दिन का 80 रुपए में इंप्रेशंस दिखाएगा। देखिए लगभग रीच जाएगी हमारी 3,000 से लेके 7,800 लोगों तक। और अगर हम लोग बजट बढ़ाएंगे, ये देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बजट को जितना ज्यादा ले जाएंगे तो इतनी रीच आएगी, ये देखिए। तो यहाँ पे बजट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 80 रुपए में मिनिमम 80 रुपए यहाँ पे होंगे प्रमोशन के लिए। एक दिन, दो दिन, कितने दिन तक आप प्रमोशन चलाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे रीच इंक्रीज होती जाएगी। मतलब एस्टिमेट ये होता है कि जैसे 3,000 लोगों से लेके 7,800 लोगों के बीच में आपकी रीच जाएगी, यहाँ पे एस्टिमेट रीच इतनी जाएगी। तो आप लोग जैसे 80 रुपए का एक दिन का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब मैं आपको यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ, 80 रुपए का तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे फंड ऐड करना होगा, यहाँ पे पेमेंट आप देख रहे हैं, पेमेंट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। अब पेमेंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा। आप लोग देखिए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए फंड ऐड कर सकते हैं, या फिर पेटीएम के जरिए भी ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं, UPI के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अमाउंट ऐड कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो 1-2 रुपए, कितने रुपए भी ऐड कर सकते हैं, मतलब मिनिमम देखिए कुछ तो होगा इसका अमाउंट। यहाँ पे मैंने इतना टेस्टिंग नहीं करा, बट यहाँ पे 80 रुपए तो मिनिमम आपको करना है, ठीक है। वैसे तो आप कम भी कर सकते हैं, मैंने 1-2 बार ट्राई करा था जब मैंने प्रमोशंस करे हैं, तो लगभग मैंने 2-4 रुपए भी एक बार करे थे ऐड, अब का नहीं पता क्योंकि अपडेट होता रहता है सिस्टम, ठीक है। 80 रुपए मिनिमम करने होंगे। तो यहाँ से सिंपली आप लोगों को ऐड मनी करना है, आप लोग किसी के भी थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे
प्रमोशन नहीं चलाना चाहता, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका सारा काम क्लियर है। अब सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि अपना पेमेंट ऐड करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा क्रिएट प्रमोशन। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपका प्रमोशन चले जाएगा रिव्यू में। रिव्यू में मैं आपको बताता हूँ रिव्यू में कहाँ जाएगा। आप जैसे प्रमोशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रिव्यू का ऑप्शन आ जाए, मतलब इसी वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा, और आपको सारी डिटेल्स दिखाई देगी आपके प्रमोशंस की। यहाँ पे देखिए मैं व्यू इनसाइट्स बताता हूँ, मैंने सिर्फ इसमें ₹1 स्पेंड करे थे और मेरे को कितनी प्रोफाइल विजिट्स मिली, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा है। वेबसाइट वगैरह क्लिक, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसा मेरा ₹1 ऐड था और मैंने ₹160 के लगभग का प्रमोशन चलाया था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं, और उसकी इनसाइट्स देखना तो ये प्रमोशन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगी। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम में प्रमोशंस कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम में एड कैंपेन को चला सकते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।